मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की सनावत तहसील में आज भी कई जगह ऐसे संस्था संचालित हो रही है जहां निर्धन और असहाय बच्चों की देखभाल कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन बच्चों को सक्षम बनाया जा रहा है। ऐसे ही नेक कार्य में बड़वा क्षेत्र की नव्या सिस्टर अपना अहम योगदान दे रही है, जिनके द्वारा ऐसे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जा रहे हैं। जिनके माता पिता होने के बावजूद वह बच्चे अनाथ का जीवन यापन कर रहे थे, ऐसे बच्चों की देखभाल कर सिस्टर उन्हें अपने जीवन में कुछ बनने के लिए सहयोग करती है। सनावत से प्रभु दोगिया की रिपोर्ट। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय सदे श्री अटल जी बिहारी जी का जन्मदिन उत्सव आज हम भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर यहाँ नव्या स्कूल में मना रहे हैं। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर चूंकि नव्या स्कूल जो है आठवीं तक ही है, तो मैंने घोषणा की कि जो आठवीं के अंदर जो बच्चे प्रथम और सेकंड आएंगे उन बच्चों को मैं नाइन्थ से लेके तो 12वीं तक मेरी स्कूल में निःशुल्क उनकी शिक्षा दूंगा, ऐसे मैंने यहाँ पर घोषणा की है। ये विचार आपके मन में क्यों आया? ये विचार इसलिए आया कि ये गरीब बच्चे हैं, जब ये मैडम इतना त्याग कर सकती है पूरा इन बच्चों के लिए समर्पित होकर यहाँ पर यदि इनको शिक्षा दे रखी है। अब जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा था, वो कक्षा 7वीं में पढ़ता है, उसका नाम है जितेंद्र, उससे पूछा कि बड़ा होके क्या बनेगा, क्या सोचा है, तो बोले पुलिस बनूंगा मैं। तो ये विचारी तब उसके मन में आया कि ये वो गरीब बच्चा जो कभी पढ़ने की ख्वाब भी नहीं देख सकता था, आज यहाँ पर पढ़ रहा है। यदि वो पढ़ रहा है तो उसके मन में ये विचार आया कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा। जब ये बात आती है तो निश्चित शिक्षा की उसमें भूमिका होती है, इसलिए मैंने ये विचार लाया कि ये बच्चे 8वीं के बाद में यदि कहाँ जाएंगे, तो मैंने कहा कि 9वीं से लेके 12वीं तक मैं इनको 4 साल मेरी स्कूल में निःशुल्क पढ़ाऊंगा। माननीय सध्या अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था और उसी अवसर पर बड़वा विधानसभा के सारे कार्यकर्ता नगर मंडल बड़वा और ग्रामीण मंडल बड़वा इसके द्वारा यहाँ पर नव्या स्कूल में जो बच्चे रहते हैं, जो असहाय हैं, जिनके परिवार वाले उनको पाल नहीं सकते, जो पढ़ा नहीं सकते हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई देते, इनको यहाँ पर मंडल के माध्यम से सहभोज का आयोजन किया गया है जिसमें सभी प्रकार के व्यंजन हैं। और इनको ये भी आज एक निर्णय लिया गया है कि जो यहाँ पर हायर सेकेंडरी तक स्कूल है, इसके बाद में ये बच्चे आगे अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो इनको विवेकानंद विद्या विहार और सुरेन पंड्या जी के माध्यम से उनको निःशुल्क आगे शिक्षा दी जाएगी, इस प्रकार का निर्णय लिया गया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की सबको शुभकामना देता हूँ। और पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से कार्य किए थे उन सब कार्यों को प्रत्येक व्यक्ति को लाभ भी मिल रहा है और उनके जन्मदिन पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कार्यक्रम होते ही चले जा रहे हैं। इसीलिए आज नगर मंडल बड़वा ने और ग्रामीण मंडल बड़वा ने यहाँ पर आयोजन किया था। पुनः सबको अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।